अपने ये देखिए, ये हमारा हाता है, ये हमारा हाता है क्योंकि यहाँ हाता बोला जाता है, जैसे वहाँ सोसाइटी होती है यहाँ हाता। हम एंटर कर रहे हैं और ये सामने मंदिर है हनुमान जी का। तो जी अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर क्योंकि रात पूरी हो गई है थोड़ा। तो ये देखिए पूरी रात हो गई है और घर के सब लोग, शिमोना, कल्पना, वासु, ये देखो ये सब बाहर ही मिल गए। ये है हमारा आंगन, बाकी तो कल सुबह दिखाएंगे आपको सारा क्योंकि अभी तो रात हो रही है। ये आ गई हमारी चीना। चीना चलो जी, ये सब राधे राधे बोल रहे हैं। ये है हमारी बहू रानी गोल्डी आरती, ये हमारी आरती। चलो जी चले अब घर, चलो चाय पानी पियेंगे। ये भी घर हमारा, चलो चला पल। चीना आजा, चीना आजा, रात को बाहर नहीं जाना। तो अभी पीछे आपको व्लॉग मिला, मैं पंजाब आई थी, रात हो गई थी काफ़ी, और अगले दिन सुबह ठाकुर जी राधा रानी मंदिर में दर्शन किए घर के मंदिर में। तो सोचा चलो आज आपको भी यहाँ के जो ठाकुर जी राधा रानी हैं उनके दर्शन करवा दिए जाए, मंदिर के दर्शन करवा दिए जाए। और थोड़ा आज मैं जाऊँगी घर में, हम सब जाएंगे हमारे पिंड घर के, हमारे जो फिरोजपुर कैंट है उससे थोड़ा सा कोई 10 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहाँ जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ का भी आप लोगों को दिखाऊंगी। सोचा तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन जब आई ही हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को भी जो पंजाब के दर्शन करवा दिए जाए और खेतों के खलिहान के। और इस टाइम तो वैसे भी झोना जो जिसे चावल बोला जाता है उसकी बिजाई हो रही है, अगर हो रही होगी तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो चावल है उसे कैसे बोया जाता है पानी में खड़े होकर, कितनी मुश्किल से जो किसान लोग हैं मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाके हमें अनाज मिलता है। तो चलिए सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं ठाकुर जी के राधा रानी के। तो ये देखिए ये हैं हमारे श्याम वर्ण के कान्हा जी, ये देखिए, और साथ में खड़ी हैं हमारी राधा रानी। तो थोड़ा माता रानी के भी दर्शन करवा दूं, आप सब लोग बोलते हैं कि मैम माता रानी के दर्शन भी आप करवा दिया करें। तो जी ये लो, ये है माता रानी, ये हैं हमारे बजरंग बली जी पंचमुखी हनुमान जी, ये हैं हमारे पंजाब के ही ठाकुर जी बाल गोपाल जी, ये हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी, और ये हैं हमारे छोटे वाले कान्हा जी, और ये हैं मेरे कान्हा जी। तो ये हो गए मंदिर के दर्शन। और थोड़ा सा बाबूजी से मिलवा दूँ, कल्पना से मिलवा दूँ क्योंकि बाबूजी यहाँ भी आके फिल्में देखने में लगे हुए हैं। अब तो उनको मेजोरिटी मिल गई है कि दोनों भाई मिलकर मूवी देख रहे हैं। चलो यहीं से थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वैसे उन्हें पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए ये हैं बाबूजी, ये बड़े इत्मीनान से बैठ के मूवी देख रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जो वीडियो है बन रही है। और ये देखिए ये हैं दोनों भाई, ये दोनों ट्विन्स हैं और दोनों मूवी देखने में या मूवी देख रहे हैं या मुझे नहीं पता न्यूज़ देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, उसमें मस्त हैं दोनों के दोनों। चलो अब थोड़ा इनको बता दिया जाए कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी तक तो नहीं पता था इन्हें। हाँ जी बाबू जी क्या कर रहे हो दोनों भाई? हम क्या मूवी देख रहे हैं। चलो आज हाँ इन्होंने न्यूज़ नहीं देखी, न्यूज़ देख। चलो जी राधे राधे बोल दो सबको। राधे राधे जी सबको। टीटू जी राधे राधे जी। तो ये है टीटू बिट्टू, मैं व्लॉग बना रही हूँ, उसके बाद पिंड चलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ कल यहाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त हुई है, मौसम काफ़ी अच्छा है दिल्ली से। तो ये है कल्पना जी, राधे राधे जी।
ये भी तैयार हो रही है पिंड जाने के लिए। तो चलिए अब जो साथ वाला घर है, एक और घर है, दो दो तीन तीन घर है, वहाँ के भी जो ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, उनके दर्शन करवा दीजिए। अलग अपना हाँ जी बंसे, ये है बंसा, बंसे की याल नहीं तेरे हमारे हवेली की रखवाली कर। हैं ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया लग रहा है, सोना लग रहा है, की याल नहीं तेरे बढ़िया जी। चलो सारे नु राधे राधे बोल दे, सस्त्री काल बोल दे, जो मर्जी बोल दे, राधे राधे सस्त्री काल जी, हाथ भी जोड़ दे, हाथ भी जोड़ दे, हाँ हुन बोल राधे राधे सस्त्री काल जी आया नु, राधे राधे सस्त्री काल जी आया नु। हाँ तो ये है हमारा बंसा, ये है सबसे बड़े ब्रदर, राधे राधे बोल दो, क्या गोलगप्पा खा के खड़े हो, हाथ जोड़ लो, राधे राधे जी, ऐसे खड़े हैं, ऐसे गोलगप्पे खा के खड़े हो। ये हैं दीदी जी, राधे राधे, राधे राधे, बाय बाय कर रही है, हाथ जोड़, हाथ में चक्कू और ये चीजें हैं थोड़ी, हाथ जोड़ के राधे राधे, गिर गया वो, ये बहू रानी, जोर से बोल राधे राधे। हाँ ये क्या हो रहा है, ये गांव से बेलगिरी अलाई मंगवाई थी, तो शरबत में क्या तू आई है, चल बना के। चलो ये बेलगिरी है, ये हमारे, ये बेलगिरी अपने अपने गांव की है। हाँ तो अभी बांध लगाई हुई दिखाएगी, गांव चलेंगे जब लगी होगी, ठीक है। तो चलो जी अब जब पिंड जाएंगे वहाँ बेल का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बेलगिरी वहीं से आई है, इसका आज हमें शरबत पीने को मिलेगा। और ये क्या बना रही है, गोल्डी दाल मखनी, वाह आज गोल्डी आलू बन चुके हैं, दाल मखनी बना रही है, और हमारा चतुर्मास है मेरा, कल्पना का और अंजू का, हमारे लिए आलू बन चुके हैं। तो चलिए यहाँ भी ठाकुर जी राधा रानी के दर्शन करवा दूँ पहले, ये देखो जी, ये हैं हमारे गोवर्धन कान्हा जी, ये देखिए ये कान्हा जी हैं, ये 18 इंच के हैं, जो श्याम वर्ण के आपने देखे थे वो कान्हा जी हैं, श्याम वर्ण के वो 15 इंच के हैं, जो श्याम वर्ण के आपने देखे वो 15 इंच के हैं। ये है हमारी प्यारी राधा रानी, ये है हमारे बाल गोपाल जी, और ये है माता रानी। तो जी अब गर्मी लग रही है थोड़ी सी, धूप बहुत तेज आ गई है, और कान्हा जी राधा रानी के दोनों के दर्शन करवाए, सोच रही हूँ कि शायद शाम तक एक आधा भजन भी गा लें हम तीनों बैठकर, अच्छा लगता है जब हम तीनों बैठकर भजन गाते हैं तो बहुत आनंद आता है। और अभी बस जाएंगे पिंड अपने गांव, फिर वहाँ की वीडियो आप लोगों को आगे आगे दिखाते रहेंगे, जैसा जैसा पंजाब में मेरी दिनचर्या होगी, सोच रही हूँ तबीयत ठीक नहीं भी है फिर भी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को दे दूँ, जिससे मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी लगे कि मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ डेली। तो ये बनाया जा रहा है बेल का शरबत, है ना, हाँ। ये फ्रेश बेल है, अच्छा ये ऐसी होती, इसमें बीज होंगे, बीज निकाल देगी ना गोल्डी, आपा चल रहे हैं वो निकाल, अच्छा वो हाथ से उसको मैश करके, हाँ फिर मैं मिक्सी में पीस दूँगी, अच्छा या फिर आके पिलाऊंगी, फिर आ जाएगा, फिर जब बन जाएगा हम आके पियेंगे। चलो गाड़ी चलाता हूँ, ये कभी कभार चला ली, तो हमारे को तो साली ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, जिसको सही बात है चला रही ना, जिनको हमें तो वो ले, तो नैनो वाली सही थी। अभी हम रास्ते में आए, हमें ना बहुत छोटी सी गाड़ी नजर आई, जैसे खिलौना और दो बंदे बैठे उसमें, नैनो होगी वो, नहीं
नैनो नहीं थी, कोई और कंपनी तो लेते थ्री व्हीलर। और मेरे को तो लगता है वो जुगाड़ ही था, कोई घूमते रहते हैं भी थ्री व्हीलर और काम भी करते। क्या कह रहे, क्या लेते हैं? थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर और क्या करते थे? काम भी करते और पैसे भी कमाते और घूमते भी रहते। काम तो हम बिल्कुल ना करते, इसके लिए भी ड्राइवर ढूंढते हैं। थ्री व्हीलर को चला लेते हैं। थ्री व्हीलर का तीन पहियों का था, रिक्शा की समझ के उसको चला लेते बच्चों ने। शाम तक रिक्शा चलाने वाले पता क्या कहने, इतनी मेहनत करनी होती तो कहने क्या। थ्री व्हीलर हमें ना, थ्री व्हीलर नहीं चाहिए, अब दिला देते हैं। हमें वो चाहिए, वो जो आगे लेके भाग रहा है, वो जनरेटर नहीं, वो घोड़े पे सवार बैलगाड़ी। बैलगाड़ी बैलगाड़ी नहीं है वो, नहीं, नहीं, वो घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है। यहाँ भी अच्छी अच्छी कोठियां बनी हुई है ना, उसके अंदर देखिए जरा, गांव के अंदर वो बनाऊंगी ना, पंजाब के गांव गांव को है, अच्छी बनाई है लोग ऐसे देख लिए। और ये बना बना के कनाडा चले गए सब, मैं तो बाहर गए सब, वही है जबी दो ये सुंदर गांव में, कौन कह रहा है गांव की कोठी। आजकल गांव में काफी हाईटेक हो गए हैं, इधर देख वो ये तो बहुत आज के हैं, गेट कह तो नहीं, गांव हाईटेक हो गए हैं आजकल तो। तो जी हम अपने गांव पहुंच गए हैं, अभी रास्ते में लाल मिर्ची हरी मिर्ची काफी लगी हुई थी, धूप बहुत ज्यादा तेज है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ लगा हुआ है भुट्टा, जिसे यहाँ मक्की बोलते हैं, मकई के दाने जिसे बोला जाता है, मक्की छल्ली, छल्ली हाँ पंजाब में छल्ली बोलते हैं, मक्की भी बोला जाता है और हम दिल्ली में इसे बोलते हैं भुट्टा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ भुट्टा लगा हुआ है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए ये लगा हुआ है भुट्टा, क्योंकि बारिश हो के चुकी है, ज़्यादा नहीं दिखा सकती क्योंकि नीचे अगर उतरूँगी तो कीचड़ में गिर भी सकती हूँ। तो ये सारा जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ सारे लगा हुआ है भुट्टा। तो जी हम पहुँच गए हैं जहाँ हमारी ज़मीनें थी, जहाँ भुट्टा लगा हुआ था, वो भी हमारी ही जो ज़मीन है, खेत है यानी कि। तो यहाँ हैंडपम्प लगा हुआ है और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये समाधि है हमारे गांव वालों की, ये जो पीछे अभी आप देख रहे हैं इधर। तो अभी आपको दिखाती हूँ, तो बाकी खैर जब भी आती हूँ मैं हल्का फुल्का ही जहाँ जहाँ हमारे खेत घूम कर जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी है थोड़ा अलग हटके, वहाँ भी है, तो सारा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये है हैंडपम्प, गाँव में आकर वहाँ की फीलिंग ना ली जाए तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। और वैसे पानी के हैंडपम्प पापा ने तो बहुत चलाए हैं बेबी, है ना। हाँ नहीं, लेकिन मैंने भी बड़ा चलाया है, इसका पानी बड़ा मीठा होगा, अपने यहाँ का पानी है ज़्यादा मीठा है, यहाँ का पानी पी के देख, पानी इतना स्वाद है यहाँ का, जरूरत ही नहीं पड़ती। मजेदार, इतना मीठा पानी है, इस पानी से पानी यहाँ का ऊपर की उम्र जाती है। हाँ, गांव में जो मैक्सिमम जो बुजुर्ग हैं वो 100 साल से ऊपर ही हैं, यहाँ का पानी इतना अच्छा है कि पानी पीते रहो और जो भी खाना खाया हजम होता रहता है और भूख लगती रहती है। और गांव में पैदल चलते रहो, यहाँ की तो फिर लाइफ है, जो मजे हैं वो अलग ही है। फिर यहाँ पेड़ों की छाएं देखिए कितनी ठंडी, बिल्कुल ये देखिए, यहाँ बैठो आराम से। ये दूर ये भी ये झोना लगा हुआ है ना, ये दिखाती हूँ पास से मैं, ये पानी में झोना अपना सारा भाग, ये देखिए ये लगा है झोना, ये पानी में ही होता है। और देखो लगाने वाले की हिम्मत, एक एक करके लगाना पड़ता है। और धूप इतनी तेज सड़ी पड़ रही होती है, फिर जाकर कहीं पानी गरम नीचे, हाँ बिल्कुल ऊपर सूरज गरम। ये देखिए दूर दूर तक, ये सारी अपनी है, हाँ वहाँ तक अपनी सारी अपनी, ऊपर दूर तक, हाँ यहाँ तक दिखाई दे रही है सड़क की, इधर ठीक है ठीक है, ये सड़क से इधर इधर सारे खेत हमारे हैं, एक उधर वो एक मोटर है, वो जो दूर खड़ी है उधर वो भी चले जाओगे। तो ये देखिए यहाँ हमारी मोटर लगी हुई है, ये रही जो दिखा रही हूँ, जो काम हो रहा है इधर, बाबूजी तो बैठ गए उधर, ये है कहाँ है समाधि ये। तो ये देखिए ये है हमारे गांव वालों की समाधि, इनके हम श्राद्ध भी करते हैं ना, इनके हम श्राद्ध भी करते हैं, खूब अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है इनकी, इन्हीं के बदौलत तो सब। हाँ बस ये पेड़ है, ये भी काफ़ी विशाल है और इसके नीचे बैठ जाओ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है, पूरा एहसास होता है कि हम किसी
गांव में और बड़े अच्छे से बैठे हैं। चल पड़ेंगे ना, मैंने 2-3 किलो पट दो इनको, ये ले जाएंगे, कह रहे चलो पट देते हैं थोड़ी सी। तो जी अरबी अरबी भी लगी हुई है, मैं अरबी भी निकलवा रही हूँ, ले जाना ना थोड़ी सी। वो कह रहे हैं गीली है ना, लेकिन थोड़ी पट्टी जाएगी, थोड़ी सी निकाल देंगे तेरे लिए, आपके लिए निकाल देंगे। चलो हाँ, ये बारिश का पानी भी यहाँ झोना लगेगा ना, तो ये चल रहे हैं। हाँ, चलो चलो जब ये अरबी निकलवाने जा रहे हैं, गिर ना जाए, कोई नहीं। ये है मिनी ट्रैक्टर, ये पीछे वो छोटा है ना ये, अच्छा वो गुदाई वाला पीछे। मैं कहाँ से चलाऊं पता लगे, मेरे को खेतों में घुसा दिया इस बंदे ने, खड़े होने पड़ता है बस। तू पीछे बैठ, अरे यहाँ से खड़ी हो जाओ, वो बस और क्या करोगे। हाँ जी, अब चला लेते हो? बिल्कुल चला लेता हूँ, मेरे को ना भी, मेरे को तो डर लगता है, मैं तो नहीं बैठी, पता लगे पानी में ही घुसा दिया। टी टू चलाया, फिर चाय बैठ जाऊ मैं, ये चलाते हैं, इनको आता है। फोटो क्या ले लूं मैं, किसकी फोटो ले लूं? हाँ मैं ट्रैक्टर बैठ के, हाँ क्या ट्रैक्टर बैठे, चलो गाड़ी में आ, मेरी चलो चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, नहीं वही बैठेगी तो चढ़ तो जाओ, इसकी काम की नहीं है, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, कोई बात नहीं, ध्यान से चढ़, आप तो टांग ठीक हो जाएगी ट्रैक्टर में बैठ रहे। हल्का फुल्का ही है, ओ बैठ जा मुटियारे, चल ठीक है, चल पागल हो रही है, मैं चलाऊंगा, मुझे आता है चलाना, इनको आता है। सुनो आप चलाना एक बार, ये थोड़ा सा पागल होगी, कहाँ चलेगा यार, नहीं आगे तक बस, वो यहीं तक जरा सा बस। तो चलो जी, ये मैं थोड़ा यहाँ से दिखा दूँ, हमें इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है, ये अरबी निकाल रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं अरबी लेके आऊंगी कहाँ, दिल्ली। तो ये देखिए अरबी पट्टी जा रही है, लेकिन मुझे काफी दूर जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं पैदल पैदल। चलो जी आ जाओ, कहाँ आ जाए, अरबी पट्टी, चलो जाओ अरबी पट्टो। आराम से चलना भाभी जी, भाभी जी आराम से पीनी है, बनवा लो चाय, बनवा लो, बनवा लो आराम से। कल्पना तू सबसे पीछे रही हो, क्योंकि तू ही गिरती है तेरी वीडियो आएगी। ये देखो हम जा रहे हैं, चल चल नहीं निकल लेना सीधे, कल्पना तू ही गिरेगी, कहाँ जा रहे हो? सीधे चलो जी, सीधे चलो, सीधे चलो, सीधा चलो, सीधे आई, कहाँ से निकल रहे हैं? तुम्हारे ना, तुम्हारी अरबी निकलेगी अब लगता है, चलो चलो चलो, वट वट निकल जाओ ना, बट्टी निकल गए, तुम्हारे आज लग रहा है मेरे को, तुम्हारे लक्षण सही नहीं लग रहे आज, आज तुम्हारे जो किसी का सूट सफेद, किसी की, तुम ध्यान रखो इधर सीधा, इससे अच्छा चप्पल खोल देते, हाथ छोड़ दो मैम, गिर जाओ रे तो, हाथ छोड़ दो, कोई एक गिरेगा तो तीनों लेके गिरोगे एक दूसरे को। जी पहले तो तुम्हारा नाम दसो जी, उत्ते देखो, हाँ जी की नाम? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, जे तुम्हारा नाम? बलजीत सिंह जी। बलजीत सिंह जी, ये दोवें ना की पट रहे हो तुसी? अरबी पट रहे जी। मेरे लिए? तुम्हारे लिए पट रहे जी, क्योंकि मैं लेके जानी है। हाँ जी बताओ, दे ये देख, नहीं लेके भी तो जावांगे ना, जा। तो ये देखो अरबी खानी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है वो देखो, पानी में लगी होती है, नीचे कीचड़ होता है, और देखो कितनी मुश्किल से निकलती अच्छा है ये जड़ें ऐसे, और ये अरबी के पत्ते, अरबी के पत्तों के पकौड़े भी बनते हैं, जिसे पतौड़ बोलते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनाई जाती है अरबी के पत्तों की भी। ये देखो, ये तो आ रहे थे कहाँ गया, चाय बनवाने गए। तो ये देखो, ये है अरबी, थोड़ा दिखाना मेरे को कि कितनी मिट्टी में है ये देखो, जड़े कम से कम
चार किलो मिट्टी होगी इसके साथ। ओफो, चार ये किलो। देखो अब ये ऐसे ऐसे पकते हैं एक एक करके। और हम जैसे लोग मार्केट चार महीने लगते हैं और हम लोग मार्केट में जाके 40 रुपए किलो 60 रुपए किलो मिलते हैं, भैया थोड़ी सी कम करिए रेट इसका, तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे मेहनत कितनी होती है। तो इनको तो, इनको तो बेचारों को रेट मिलता भी नहीं। नहीं, इनको भी तो बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। मंडी वाले ज्यादा कमा लेते हैं। ये तो है वो मिल जाते सारे आड़त के हो गए वो इकट्ठे हो जाते हैं बिल्कुल। पर देखो अगर आप लोग भी पैसों के लिए सोचते तो मुझे लगता है कोई कोई फसल बीजता ही ना, कहते हमें पैसे नहीं मिलते, फिर हम जैसे लोग खाते क्या। और अब इसकी जड़ बेकार, ये जो पट्टी गई जी। ये बेकार अब जी। हाँ अच्छा, ये खराब हो गई अब। नहीं कचालू बन जाता जी। तो अच्छा फिर इसी का चाट बनती ना। हाँ हाँ हाँ, देखो कचालू बनता है, यही कचालू है। अच्छा हमें तो मतलब अगर ना निकालो तो ये कचालू बन जाएगा। हाँ, ये दोबारा लगाओगे फिर इसको। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ये कचालू ही है। अच्छा नीचे कचालू, ये देख लो जी, जिसको नहीं पता वो आज, मुझे भी आज ही पता लगा कि यही कचालू है, कि यही कचालू होता है, अरबी की जड़ में ही ये होता है। ये देखो हमें तो आज तक ना पता, हमें भी नहीं पता था आज तक, यही कचालू होता है। ये कचालू इसके अंदर है, कचालू भी ले लो, लाल में आप चाट खाते हो ना कचालू भी, खट्टी मीठी। दो आलू कचालू डाल के चाट खाना। ये देखिए ये कचालू है जी, ये कचालू डाल दो, शाम को उबाल देंगे इनको खाएंगे। अरबी के नीचे कचालू नहीं, हमें पता, हमें नहीं पता था अरबी के नीचे कचालू होता है। बताओ ये सारी अरबी लगी हुई है इधर। हाँ ये सारी पत्तों वाली अरबी, उधर पीछे भी, इधर भी लगी हुई है पीछे सारी, वो एंड तक ना। वेरी गुड, चलो वापिस चल रहे हैं। उधर कहाँ उधर, तो तूने चप्पल क्यों हाथ में ले ली? अब नंगे पैर जाऊंगी, गिर ना जाऊं कहीं। अच्छा तेरे को डर लग रहा था? हाँ भाई डर तो वट पे गिर जाएगी, पता लगे वट पे वट चलते। अब ये देखो ये लोग कितना आराम से चलते हैं भैया, ये रास्ते इनके पहचान के हैं। वो देखो अरबी लेके चलते, अब मैं भी आराम से चलूं देखो। और हमारे रास्ते तेरे मेरे। ये भैया क्या कर रहे हो आप? खाद डाल रहे हैं। खाद डाल रहे हो जोने में? हाँ जी, जोने में। तो ये पानी में खाद ऐसे डलती है? पानी में डलती है, मिल जाए ना भूल जाएगा ये। अच्छा वो देख, ये देखो जी ऐसे देखो, ये होती है मेहनत। हम तो बिना बात के घूमते फिरते हैं, असली मेहनत ये होती है। दाम से, दाम से। हाँ हाँ चलते चलते ना कर। तो ये खाद डल रही है जोने में। हाँ ट्रेन आई देख, तो ये देखो जी फाटक, यहाँ से जा रही है ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ धूप तेज है, मुझे नहीं लग रहा क्या दिख रहा होगा आपको, क्या नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये देखो, लेकिन मैं आपको ट्रेन दिखा रही हूँ, मैंने कैमरा काफ़ी क्लोज कर दिया। हाँ दिख रहा है, ये ट्रेन जा रही है, ट्रेन की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामने आज तो बाबू जी मेरी चप्पल लेके आगे आगे जा रहे हैं। तो जी हम भी वट वट आए आज, शुक्र करो वट नहीं निकले हमारे, वट वट चल के आए हम, लेकिन धूप बहुत तेज है, बहुत तेज गर्मी और चप्पल हाथ में। तेज बारिश थी उतनी तेज आज धूप हो गई। जितनी मुश्किल से गए थे उतनी आसानी से वापिस आए हैं, क्योंकि डरते गए थे वो इसलिए ना, क्योंकि जमीन की कहीं पानी में गिर गए ना तो हमारी अच्छी वीडियो बनेगी। और मैं तो इस इंतजार में था कि कोई एक तो गिरे, एक तो गिरे, लेकिन इनकी नजर मेरे ऊपर थी कि ये गिरे जरूर। वैसे मेरे को उम्मीद थी कि ये जो पीली क्या कहते हैं सूट वाली, पीली सूट वाली जो है ना, हाँ। ये जरूर जरूर गिरी। और मैंने इसकी वीडियो एक दो बार गिरी भी है मेरे सामने। हाय कितने झूठे हैं, और जब आपा वहाँ जंतर मंतर पे गए थे गुजरात, हाय कब गिरी थी मैं? कहा जब तो घूम रही थी वहाँ गिरी थी गुजरात के अंदर। इसमें सागर में वो देखो बेर, कहीं बेर 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 कहाँ है, बेर कहाँ है, बेर कहाँ है, लग गया यार। ये देखो ये कितने सर लगे देखो बीच में, वो रे बेर। हाँ ये लगे पागल है, बेर कही जा रही है भाई मेरे, तो बेर ही तो है, बेर ही है ये, भाई मेरे बेर है ये, ये देखो ये लगे हुए बेर, देखो ये बेर है भाई मेरे, ये देखो ऊपर लगे तो वहीं ढेर लगे हुए हैं, वो देखो लगे हुए हैं ग्रीन बेर ही है, बेर है। ना 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 ना, मेरी बेरी की बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। जाते पे हो पानी बड़ा अच्छा है यहाँ का पानी पीना है भाई। पानी यहाँ तो समझ लो
यहाँ का पानी और दिल्ली का घी ये सब बराबर है। लाते मैं भी पीऊंगा। तो ये अकड़ चारपाई पर, क्योंकि बारिश में चारपाई अकड़ गई थी तो इसकी थोड़ी सी अभी अकड़ निकाल लिया। तो बाबूजी कह रहे हैं कि इसकी थोड़ी एक इसके पीछे कथा सुनाता हूँ। सुना दो। कथा नहीं है वो भी है आपकी। हाँ बात है कि हम बाहर सोते थे ना जब छोटे होते थे तो वो तो बाहर बरामदे में सोते थे तो हमारे ना वो पलंग था एक। वो पलंग जब तक उस पर लेटे रहते थे तब तक ठीक था और जैसे उठते थे थोड़ा फोल्ड हो जाता था। फोल्डिंग बन जाता था। फोल्डिंग पलंग था बस वो। तो वो साथ में वो हमारा वो एक कट्टा था ना वहाँ। पहले तो गाय भैंस का एक कट्टा था साथ ही बांधते थे मेरे ना भैंस का। बच्चे को बोल रहे हैं भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? कट्टा कट्टा कुछ और भी बोलते हैं। जोटा बड़ा हो जाता था जोटा। चलो कट्टा भैंस के बच्चे को बोल रहे हैं। डेडू डेडू जैसे बच्चा डट्ठा पंजाबी में डट्ठा। मजेदार कट्टा सीखा। हां उसका उसका नाम हमने रखा हुआ था डेडू। अच्छा डेडू नाम रखा था। वो हालांकि मैं सो रहा होता था मेरे कभी चद्दर खा रहा होता था कभी तो मेरे को यही होता था कि मैं उठूं ना यार बैठे लेटा रहूं तो फोल्ड हो जाएगा। इतने बीच कोई ना चद्दर या कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देता। कितना शांति कितनी है ना। कितना अच्छा लग रहा है। तो जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। बहुत शांति है। पक्षियों की आवाजें आ रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मस्त एकदम। चाय पी रहे हो? बिल्कुल जी चाय पी रहे हैं। अपने गांव की चाय पी रहे हैं। खेत में बैठ के चाय पी रहे हैं। ये नजारा तो चाय मजा आ रहा है। पेड़ के नीचे चलो जी। अब चलो रवानगी हो रही है। अब कहाँ जा रहे हो? अब आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? दूसरे तरफ कस्सी वाले खेत। कस्सी वाले खेत। कस्सी वाले खेत। अब कस्सी वाले क्यों जाते पे है? मक्की लेने गुलिया। चलो मक्कियाँ थी आज। गुलिया खानी है। गुलिया छलिया इतने गुलिया बोलते हैं। छलिया तो गुलिया दो बोलते हैं। मक्की पता नहीं की ना है। चलो जी मिलो हमारे सरपंच साहब से। अच्छा गांव का मगर के बिल्कुल। छल्ली कहां से जाएंगे लेने बताओ? छल्ली बंदे तो करा देने जितनी चाहिए आ जाओ उससे जितनी नहीं बोल। ये दिखा दे। ना बात दिखानी है। ये क्या मोटर अपनी की है? ये तोड़ लेंगे बस ज्यादा नहीं। ऐसे करो ट्यूबवेल है। ये देखिए चप्पल उतार के अंदर आ गया जो पंजाब का। चले जाए अंदर। पता लगे फोन ही गिर गया दम। यहां से अंदर चले जाओ ना। ऐसे बांध लो। क्या चीज है? ऐसे करो आज ये फूल ये तो ये लगे हुए ना। अब कहाँ जा रही है तू? आज मेरा पूरी गांव में छल्ली तोड़ के ला रही हूँ। भुट्टा तोड़ रही है। तो पहले चप्पल उतार ले। चप्पल तो उतार लो। किचन में जाएंगे हम। हाँ जाओ। मैं तो नहीं जा सकता फिर। क्या देखे? तोड़। हाँ दिखा तो ऐसे ना जैसे बम के गोले हो। ओए अंदर सांप निकल सकता है? वो कोई नहीं कुछ नहीं है। निकलेगा तो निकल जाएगा। हाँ क्या चीज है? सांप? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ दिखा दे। तुम्हारे चरण तो जैसे बड़े सुंदर है ना। देखो अपनी मिट्टी में घिसे हुए चरण का चरण ही है भैया। हैं हमारी मिट्टी है ये। हमारी माँ है ये। तो जी हम खेत से ये तोड़ के लाए मजे करके आए जिसे भुट्टा बोलते हैं दिल्ली में। भुट्टा या गुल्ली और क्या बोलते हैं छल्ली मक्की। और हमारे पैर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो हाँ बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत है कि दिल कर रहा है इन पाँव में झांझर डाल दें। झांझर। चलो चलो पैर कहाँ धोए? आप कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मिर्चे तोड़ने आज ही सारी मजदूरी कर लेना। नहीं अरबी के साथ मिर्च भी चाहिए होगी। सब्जी बनाएंगे। अच्छा भुट्टा तोड़ लिया अरबी तोड़।
तो जी धूप बहुत तेज है लेकिन हम फिर भी घूम रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि यहीं रह जाऊं, कहीं जाऊं ना, फिरोजपुर भी नहीं ना जाऊं, दिल्ली भी ना आऊं, और यहीं खेतों में ही रह जाऊं। पर देखते हैं क्या पता आने वाले टाइम में हम यहीं रहें। तो अब हम आ गए हैं मिर्चों के खेत में, ये देखो, ये शायद पूरी मिर्चें लगी हुई हैं। थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए, ये हैं ये लाल मिर्ची। अरे देखो आँखों में ये ना धांस आ रही है, तेज बहुत होती है ये मिर्ची लगी। ये दूर तक जो भी नज़र आ रहा है आपको, ये पूरा मिर्च का पूरा एक एरिया मिर्च लगी हुई है सब में। हरी मिर्ची जो देखिए काफ़ी लाल भी हो गई है अब तो। हमारे घर जब मिर्ची आती है यही मिर्ची आती है, और ये जो मिर्ची होती है हरी तीखी, बहुत तीखी। अब ये जो आपको ये खूब बड़ा विशाल पेड़ नज़र आ रहा है, बहुत पुराना पेड़ है। कितना पुराना पेड़ है बाबूजी? ये कई सौ साल पुराना पेड़ है। यहाँ जाएंगे फिर उधर देखो, दूर आपको नज़र आ रहा होगा शायद, क्योंकि मैं तो हाँ ये देखिए, ये धूप में झोना लग रहा है, ऊपर से धूप नीचे गर्म पानी, और ये चावल बो रहे हैं, और एक एक डंडी लगानी पड़ती है। थोड़ा आगे से फिर और दिखाएंगे। अब शांति मिली है छाया में, इतना अच्छा लग रहा है बिल्कुल। ये पट्टे हैं, ठंडा ठंडा, ये पट्टे हैं, ये जो गाय भैंसों को दिया जाता चारा। पट्टे वाला नहीं है पट्टे, अच्छा पट्टे हैं वैसे। ये देखो मिर्ची, ये मिर्ची के पेड़ तोड़े हुए हैं, मिर्ची निकालेंगे, ये मिर्ची निकालेंगे। ये देखिए ये मेरे पैर देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो जी ये है मेरे पैर, ये है अंजुरानी के पैर। ये हाय कल्पना, यहाँ तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसके नीचे वाओ। चल पैर दो, ये जोना लग रहा है जी। कल बारिश बहुत तेज हुई है, तो क्या होता है ये पानी में ही लगता है, जब पानी ज़्यादा हो तो जोना लगता है। तो कल इतनी बारिश हुई कि खेत खलिहान भर गए, तो फिर ये जोना लगाना शुरू किया। तो ये लेबर जो है जोने के टाइम में बहुत मिल जाती है यहाँ। मिर्चों को पहले तोड़ते हैं या ऐसे पेट की तरह, फिर इसमें से एक एक करके निकालते हैं। तो ये दो तीन तरह की निकलती है, फिर बाल्टी में भरते हैं, फिर मंडी लेके जाते हैं। ये सबसे महंगी बिकती है शायद, आजकल मैंने पूछा भी इनसे तो ये 30 रुपये रेट, 30 रुपये किलो के हिसाब से, और ये वाली जो है वो 10 रुपये किलो के हिसाब से बिक रही है। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, फूल ये है छाली लेकर अपने घर जा रहे हैं। अरबी अरबी हरी मिर्च तो है घर पे ही है ना, तो हम जा रहे हैं, ये क्या हो गया, हाँ तो हम जा रहे हैं अब अपने घर। यहाँ बहुत गर्मी थी, बहुत पसीना आया, सबकी बुतियाँ उतर गई तो लेकिन अच्छा बहुत लगा। तो आगे आगे भी व्लॉग मिलता रहेगा, फिलहाल आप इसी व्लॉग को इंजॉय करें, बस आगे आगे जो व्लॉग बनता जाएगा आप लोगों को मिलता जाएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक हरे कृष्णा।